नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह पपीता का पौधा है और इसमें पत्तियां पीलेपन के साथ सिकुड़ के ख़राब हो जा रही। किसान भाइयों, यह पपीता में लगने वाले हेलोमोजक वायरस है। यदि यह लग जाता है तो धीरे धीरे पौधे में फल फूल आना बंद हो जाता है, पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है और धीरे धीरे पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप इसके लक्षण इस पपीता के पत्तियों में आसानी से देख सकते हैं कि पत्तियां कैसी हो जा रही और फल भी कैसे टेढ़े मेढ़े से निकल रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके पपीता के पौधे में ऐसी समस्या है या लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत उचित दवा का छिड़काव अवश्य करें, नहीं तो धीरे धीरे पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। जिस पपीते के पौधे में पत्तियाँ पूर्ण रूप से सिकुड़ गई हों उसको काट कर हटा देना चाहिए, नहीं तो इससे जो साथ में दूसरा पौधा लगा हुआ है उसमें संक्रमण फैल जाता है और उस पौधे को कहीं दूर फेंक देना चाहिए। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए आप थायमेथोक्सम 25% WG में दवा आती है उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 1 ग्राम दवा को प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि यह दवा नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में आप इमिडाक्लोपिड 17.8% SL में दवा आती है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 1 ml दवा को प्रति 150 ml पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, कभी कभी एक बार दवा का छिड़काव करने के बाद स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में 7 से 10 दिन के अंतराल पर 2-3 बार दवा का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। तो किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें, शुरुआत में ऐसे पपीता के पौधे में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं आप तुरंत दवा का छिड़काव अवश्य करें। जो भी हमारे किसान भाई आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।